हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज दिन की शुरुआत बारिश के साथ, तो आज ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, ऐसे ही शुरू करते हैं। तो मौसम खुल गया है, सोच रहा हूँ थोड़ा सा मैं घूम के आ जाऊँ। और जहाँ मैं जाने का सोच रहा हूँ ना, वहाँ तो स्लीपर पहन के नहीं जा सकते भाई, तो मैं शूज़ पहन लेता हूँ। हाँ, थोड़ा सा गंदे हैं, पार्टी में थोड़ी है जाना भाई, घूमने जाना है। बता रहा हूँ ना, बहुत डिफिकल्ट होता है भाई, एक हाथ से गाड़ी चलाना और एक हाथ से GoPro पकड़ना। इसका मैं देखूँगा कुछ जुगाड़, लेकिन फिलहाल तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा। अगर आपने मेरी मुहर्रम वाली सीरीज देखी होगी तो ये रास्ता थोड़ा जाना पहचाना लगेगा आपको। अतुल के घर, और ये शॉर्टकट था वैसे, एक्चुअल रास्ता तो इधर से है। पहले क्या था, वो जो पुल था ना रास्ते में, वो बना हुआ नहीं था, अब वो बन गया, तो भाई इसका फायदा तो उठाना चाहिए, तो मैं उधर से ही आ गया। अगर मैं उधर से आता तो जस्ट डबल होता। अतुल को ले लिया हूँ उसके घर से। अतुल का घर मैं बाद में दिखाऊंगा भाई, अतुल ने घर बहुत बढ़िया बनवा रखा है, छोटी फैमिली के लिए बहुत बढ़िया भाई। भाई अपन को चलना है, मैं बताता हूँ आगे, क्योंकि अतुल को भी मैंने नहीं बताया कि अपन कहाँ जा रहे हैं। अतुल ने भी मेरे जैसे ग्लासेस खरीद के रखे हैं अतुल के में, लेकिन ये नहीं है, साइड में नहीं है, वो ग्लेयर वाले। रात को जैसे सामने वाली बाइक की आपको लाइट लगती है ना, तो वैसा ग्लेयर नहीं बनता उसमें, अतुल को वो वाला, इसीलिए थोड़ा महंगा है उसके में। इतने तो 8 आ जाए भाई, मेरा 100 रुपये का उसका 800 का भाई। नहर ऊपर तक भरी हुई पूरी, लोग नहा रहे हैं भाई, देख के मन तो कर रहा है नहा ले, लेकिन अभी इस तैयारी से आया नहीं है, अभी अपना बोल दूसरा है भाई। मैंने घर से पानी की बॉटल लाना भूल गया, और अतुल के घर में भी बोलना भूल गया, तो हो गया। यहाँ पे दुकान है, अगर आप आ रहे हो तो आप नाश्ता वगैरह भी ले सकते हो यहाँ से, पानी की बॉटल हम ले लेते हैं, फिर यहाँ से अपन कंटिन्यू करेंगे। कुछ भी लेना तो आप यहाँ से ले लो, इसके आगे फिर कोई दुकान नहीं मिलेगी। वी आर वेरी क्लोज टू अवर डेस्टिनेशन। ये देखो वो जो पीछे दिख रहा है ना पहाड़, ऐसा पहाड़ की सीरीज है बहुत सारी, और सबसे टॉप पॉइंट है ना वो वाला है, जहाँ पे मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ ना वो वाला, और हम जाएंगे वहीं। जितना आसान दिख रहा है ना उतना आसान है नहीं, और जितना पास दिख रहा है ना उतना पास है नहीं। ये रोड जो आप देख रहे हो, ये आपको आधा ऊपर तक तो लेके जाएगी, लेकिन जहाँ तक हमें जाना है ना वहाँ कोई रोड नहीं, वहाँ अपन को पैदल ट्रैक करना पड़ेगा भाई। ये रोड पूरी ऐसे ऐसे है, अब आप सिनेमैटिक एंजॉय करो। आप जितना ऊपर जाते जाओगे ना व्यू उतना अच्छा होता जाएगा। अभी हम आधा भी नहीं पहुँचे और आप व्यू देखो भाई, इधर का इतना प्यारा दिख रहा है ना, जब हम टॉप पहुँच जाएंगे तो वहाँ से कैसा दिखेगा सोचो। स्कूटी हमारी फुल थ्रॉटल पे, और कितनी की स्पीड में चल रही है, 20 एलिवेशन बहुत है ना भाई। और भाई वो स्कूटी यार, वो ऐसा पहाड़ वहाड़ चढ़ने के लिए थोड़ा ना बनी हुई। तो भाई ये छोटा सा मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे बाबा जी भी रहते हैं। एक बार बाबा जी से मैं बात करके देखता हूँ कि ऊपर चढ़ने लायक है कि नहीं। बाबा जी, हाँ जी, ये हम ऊपर जा सकते हैं क्या? चले जाओ। कितना टाइम लगेगा फिर भी? हम नहीं जानते बेटा, आप तो जाते रहते हैं, आपको कितना टाइम? यहाँ दिन गुड़ जाएगा, ऊपर जाओगे तो क्या क्या तो हो जाएगा। ओ, अभी अभी 3 बज रहे हैं बाबा जी, अभी 3 बजे से चढ़ने लगोगे, तब वहाँ से आते आते दिन गुड़ जाएगा तुम्हारे खुद। चलिए, बाबा जी बोल रहे हैं कि अगर आप ऊपर जाओगे वहाँ से नीचे आओगे तो पूरा दिन ढल जाएगा। एक बात है, यहाँ गाली आली ना मुंह से निकलना चाहिए, नहीं अब यहाँ से भगा दिए जाओगे। बाबा जी सो स्ट्रिक्ट,
बोल रहे हैं यहाँ काली वाली, हमें नहीं बोल रहे, वहाँ लड़की वीडियो बना रहे तो उनको बोल रहे हैं कि यहाँ काली वाली आप मत देना भाई, नहीं तो भगा देंगे यहाँ से। ना 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 भाई, अपन यंग लोग हैं, मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे, मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम। अभी 3 बज रहे हैं, हम 5 बजे तक नीचे आ जाएंगे। और अतुल तो भाई अपना जिम वाला बॉय है तो वो तो ऐसे ही चढ़ जाएगा भाई, वो तो 1 घंटे में ही चढ़ सकता है, लेकिन हम आराम आराम से चढ़ेंगे। पानी की बॉटल भी रख ली है, अब यहाँ से चढ़ने स्टार्ट करेंगे। बाबा जी बोल रहे हैं जब तक तुम लोग नीचे आओगे ना रात हो जाएगी, लेकिन बाबा जी को अपन रॉन्ग प्रूफ कर देंगे भाई, बस आप देखते जाओ। भाई मैं यही वाली बाइक लेने वाला हूँ भाई, अगर ये बाइक 4 लोग को बैठा के यहाँ चढ़ सकती है। इधर जाने, इधर चढ़ गई भाई, चढ़ गई। वो बंदे नाम पूछ रहे थे हमने बता दिया भाई, 4 सब्सक्राइबर 1 गाड़ी में मिल गए भाई, इसको कहते हैं किस्मत। हाँ मैं क्या बोल रहा था, वो थी बजाज की डिस्कवर, और भाई वो लोग 4 लोग बैठा के नीचे से आ रहे हैं भाई, मैं वही बाइक लूँगा। हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे तब लगभग बज रहे थे 5, इसीलिए ना हमको उतरते उतरते रात हो गई थी। 1 घंटे में हम उतर आए थे यार, अभी टाइम देख लेना, एग्जैक्ट टाइम है 3:13। अब जब मैं लौटूंगा तब का टाइम दिखाऊंगा आप। और मौसम आज थोड़ा फॉगी है, और मेरा स्टार्टिंग से ही सांस मेरी फूलने लगी भाई, ऊपर जाके क्या होगा नहीं पता भाई। अभी तो ठीक से चालू भी नहीं हुआ है और दोनों थकने लगे हैं भाई। अभी आप देखो कितना बचा हुआ है, ये अभी इतना आधा, इतना जहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ और उतना आधा, और भाई हालत ख़राब हो जाएगी यार। ये रास्ता बना है इसका मतलब लोग यहाँ से जाते हैं, और भाई गांव के ज़्यादातर लोग जूते नहीं पहनते यार, वो कैसे चले जाते हैं। मैं तो पहन के आया था भाई फुल तैयारी के साथ। अब ये लग रहा है बस ऊपर यहीं पास में ही है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। हिल और माउंटेन के केस में ये सीन है कि जितना पास दिखता है ना उससे 10 गुना होता है। ये तो मान लो आधे का भी आधा नहीं है। अभी यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ व्यू भाई, ऐसा लग रहा पूरा उमरिया दिख रहा है यहाँ से। ये देखो भाई पूरा दिख रहा भाई, वो अपना डैम, और डैम के उधर फॉग बहुत है ना इसलिए दिख नहीं रहा, फॉग नहीं होता तो शायद दिख जाता। चलो भाई टाइम कम है और बहुत ऊपर तक जाना है तो चलते हैं। ये हम लोग ऑलमोस्ट आधा पहुंच गए हैं, वो जो आपको वाला पॉइंट दिख रहा है ना, वो वाला है ना, वहाँ पहुँच जाएंगे तो हमारा आधा रास्ता क्लियर हो जाएगा, फिर उसके आगे इतना ही और बचा हुआ है। मैं चालू सच बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल भी इजी नहीं, जितना हमने सोचा था ना उससे बहुत टफ। और अच्छा हुआ ये हाई ऑल्टीट्यूड पे नहीं तो भाई हम 4 कदम में ही थक जाते। क्या है ना हमारी अभी उतनी आदत नहीं, जब से गाड़ियाँ आ गई तो भाई कहीं भी जाना हो तो गाड़ियों से, इसलिए हम थोड़ा जल्दी थक जाते। मैं तो बोलता हूँ भाई सुबह शाम वॉक पे जाओ और जिम जाओ भाई, ताकि आपका स्टेमिना बना रहे। और अपना भाई अतुल जिम खोलने ही वाला है भाई, लोकल लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आप आ सकते हो। अभी ऑलमोस्ट आधा रास्ता हुआ है और मैं तो भाई थक के बैठ गया हूँ, लेकिन हाँ पूरा कंटिन्यू करूँगा भाई, ऊपर तक तो जाऊँगा ही जाऊँगा चाहे कुछ हो जाए। जैसे जैसे हम ऊपर पहुँचते जा रहे हैं ना रास्ता और ख़राब होते जा रहा है, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा ना जब ये रास्ता भी ख़त्म हो जाएगा, वहाँ आपको फिर अपनी समझदारी से चढ़ना पड़ेगा। सो भाई फाइनली वी आर एट टॉप। वो जो पेड़ दिख रहा है ना आपको ये वाला, उसके पीछे फिर ऐसा ढलान है, फिर उसके बाद दूसरा पहाड़ चालू हो जाता है। और भाई इतनी मेहनत करके ऊपर आए ना, और यहाँ से व्यू देखोगे, ये देखो इतने पेड़ है ना कि कोई व्यू ही नहीं दिख रहा, वो बीच से बस दिख रहा थोड़ा सा भाई। इससे अच्छा तो वहाँ आधे पे था यार, जहाँ से सब कुछ दिख रहा था, लेकिन हो गया भाई, चैलेंज लिया था तो पूरा कर लिया। इसी बात पे कितने लाइक करवा ले अपन, 50 लाइक। हाँ भाई अतुल बोल दिया 50 लाइक करवा दिया, हाँ जल्दी से जल्दी जल्दी करवा दो भाई। ऊपर चढ़ने से इजी, नीचे उतरना भाई, क्योंकि ग्रेविटी अपना काम कर देती है ना नीचे उतरते टाइम। ऊपर चढ़ते टाइम इतनी थकान लग रही थी, उतना नीचे उतरते टाइम नहीं लग रही, लेकिन यार मेहनत बहुत लगी यार। अगर आप लोग 50 लाइक नहीं कराओगे तो मेरा दिल टूट जाएगा, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको दिखाते रहूँगा। आई थिंक लोगों ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया होगा कि भाई उमरिया का टॉप पॉइंट भी है, तो भाई मैंने आज आपको दिखा दिया उमरिया का टॉप पॉइंट क्या है।
ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाते रहूँगा। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को तो 50 लाइक करवाना ही है। तो चलो भाई आपसे मिलता हुआ मैं नीचे। टॉप से अच्छा व्यू तो यहाँ से है भाई। हाँ, टॉप में जाने का मतलब नहीं, इन्हें हमने ठान लिया तो हम चले गए। अब यहाँ थोड़ा 10 मिनट रुकेंगे क्योंकि खाने की चीज़ जो लेके आए थे वो खा के चलते ना यार, घर ले जाएंगे फिर वहाँ खाएंगे तो क्या मतलब। भाई मैं सोच रहा हम लोग इतना लंबा गए वहाँ से, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से चढ़ जाते तो हमको ज़्यादा शॉर्ट पड़ता है यार। यहाँ से रास्ता ही नहीं है भाई, आपको जाना है तो वहीं से जा सकते हो, यहाँ से नहीं जा पाओगे आप। क्या हमारी स्कूटी यहाँ चढ़ पाएगी? चढ़ गई भाई, मेरी स्कूटी 100cc भी नहीं है। हाँ 97 है भाई। ये जो आप ये वाला कर देख रहे हो ना, ये डेफिनेटली सरपंच का घर होगा, क्योंकि अभी तक जितने घर हमने देखे ना सब ऐसे ही नॉर्मल, हाँ शेड वाले, झोपड़ी वाले। भाई सरपंच का घर होगा तभी तो इतना तगड़ा बनवा रखा उसने। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये आने वाले टाइम पे जिम में चेंज हो जाएगी भाई। अतुल यहीं पे जिम खोलेगा। स्पेस देख रहे हो भाई, वीडियो में आपको भले समझ में ना आ रहा हो लेकिन बहुत बड़ा भाई, मरिया का बेस्ट जिम हो जाएगा। मैं यहीं पर आऊँगा करने। भाई अभी हम जा रहे थे मार्केट थोड़ा काम से, हमको कचौड़ी दिख गई, कचौड़ी नहीं है आलू की टिक्की है। अब अतुल तो भाई खा नहीं सकता, मैं दिखा देता हूँ क्यों। अतुल इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि इसमें बहुत तेल है भाई, और अतुल को तेल मना है भाई। अतुल का आधा जीवन इसी में ख़राब है भाई, वो तेल मसाला नहीं खा सकता। घर के लिए 2 पैक करा ली है और मैं थोड़ा सा फुल्की खाऊँगा, अतुल को भी 1 आध पीस खिला दूँगा उसी में से। अतुल इतना चालू है ना, मैं वहाँ फुल्की खा रहा था, मना करवा दिया क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत वो रहता है मसाला वसाला, बोलता है मोमोज खाने चलते हैं, वो खा सकता, उसमें तेल नहीं रहता ना। हाँ भाई देखो हमारे, अब हमको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा भाई, दोस्त लोग मिल गए हैं अब यही करेंगे पेमेंट। हाँ मेरे को ना मेयोनीज से ज़्यादा ये वाली अच्छी लगती है, जो है ना ये वाली रेड के बाजू वाली, येलो वाली, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसे ही दोस्त हर जगह मिलते रहे तो अपनी तो मौज हो जाएगी भाई, पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं भाई नहीं लिया भाई उनसे पैसे, भाई इस मशीन का टच खराब हो गया, 1 स्टार गया। लाइट जला दो भाई, लाइट जला दो। हाँ तो भाई अब मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है मैं ब्लॉग करूँ, चेहरा देखो आपको पता ही चली गया होगा। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं एंड करते, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ए ट्रैक्टर आ रहा पीछे से, अभी गोप्रो में चढ़ जाता है ना तो भाई चटनी हो जाती है इसकी।